ओम या श्री स्वयं सुगतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृति दियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय दे विप विश्वम। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम। बच्चों की तरक्की में यदि विराम लग गया है या वैवाहिक जीवन में मच गया है कोई बवाल, तो मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ सुबह सुबह आज का शो लेकर। आज का गुड लक कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, कैसे बदलाव आएगा जिंदगी में, कैसी होगी किस्मत का कनेक्शन ग्रहों में, कौन सी उल्टी चाल आपको आज सीधी करनी है, उन सब के उपाय हम आपको बताएंगे आज के गुड लक। तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, अपने परेशानी का हल जान सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। भारतीय संस्कृति का हर काम पंचांग से आरंभ होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए पंचांग के अनुसार से आज का दिन, आज का योग कौन सा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिथि है अष्टमी। जी हाँ, अष्टमी तिथि विद्यमान है, शुक्रवार का दिन है और शिव पूजा का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन शुक्ला देवी खासतौर पर उनका पूजन करने के अद्भुत योग होते हैं। जब शुक्ला देवी ने दैत्यों का संहार कर दिया है तब देवताओं ने उनका पूजन किया और आपत्तियों से रक्षा के लिए उनका पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए। देवताओं ने भी किया तो आपको करने में क्या दिक्कत है, आप भी तो देवता हैं, हर व्यक्ति के मन में देवता है। और साथ साथ आज झांसी की रानी जी की पुण्यतिथि है, 18 जून ग्वालियर के पास अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध करते हुए वो आज के दिन वीरगति को प्राप्त। आज खासतौर पर नक्षत्र विद्यमान है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और व्याज ही नाम का योग मना हुआ है। आज सुबह सुबह भद्रा भी विद्यमान है, खासतौर पर उस पास सावधान रहना चाहिए, 9:19 तक भद्रा भी रहेगी, तो इसलिए उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें। नया काम करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त जान लीजिए, 11:58 से लेकर 12:16 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। राहुकाल से बचिएगा, उसके बाद 10:20 से लेकर 11:56 तक राहुकाल है, उसके बाद शुभ मुहूर्त रहेगा, उसका लाभ ले लीजिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों आज शर्तों पर विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। बुद्धि आज आपकी कमाल की रहने वाली है। आज लोग आपके विरुद्ध में जो जा रहे हैं वो लाख चाह लें लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संतान पक्ष थोड़ी परेशानी होती दिखाई दे रही है, बच्चों की वजह से बेवजह तनाव और बेचैनी बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह नारायण की कथा सुने, नारायण जी का पूजन करें, भगवान को शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान करा लीजिए, कल्याण होगा। वृक राशि वालों क्या है योग जान लीजिए। आज क्रोध और जिद के कारण से परेशानी में फंसते दिखाई दे रहे हैं, भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनती दिखाई दे रही हैं वो विफल होंगी। खासतौर पे बचने का प्रयास कीजिए, विचारों को एकाग्र करने का प्रयास करें तभी सही सिलसिले चलेंगे। आज काम के सिलसिले में यात्रा होती दिखाई दे रही है, सुबह सुबह एक उपाय कर लीजिए, खट्टे भोजन का सेवन ना करें, जो खट्टी चीज़ें हैं उनको ना करें। दही भी खट्टा होता है, इस बात को मान लीजिएगा। यदि दही खाएं तो मिठाई खाने का प्रयास कीजिए या फीका, खट्टा दही मत लीजिएगा, इस बात से ध्यान रखें। घर में सुख का अभाव हो गया है या बेवजह कलह बनी रहती है, और तो एक उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं, संध्या के समय तुलसी के पेड़ के पास 2 घी के दिए जला दिया कीजिए और खासतौर पर भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप कर लिया कीजिए। देखिए ये छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, घर की कलह को दूर करने से अद्भुत उच्च लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए और महालक्ष्मी को पसंद करने के लिए कौन सा उपाय करना है नोट कर लीजिए। बड़ के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले तिल उस पर डाल दिया कीजिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 7 बार प्रदक्षिणा कर ले, देखिएगा बहुत जल्दी आपके जीवन के कष्ट दूर हो। शादी जैसे रुके काम, शुभ काम यदि घर में रुके पड़े हैं तो बहुत मन में परेशान होता है, कैसे करें मैं आपको एक दिव्य उपाय बताता हूँ। एक तो छोटा सा कोशिश करें कि घर में एक आंवले का पेड़ लगा लें, आंवले का पेड़ लगा लीजिए और हर रोज एक छोटा सा काम कीजिए, आंवले के वृक्ष के या पेड़ के नीचे चमेली के तेल से 2 दीपक जला दिया करें, पितृ प्रसन्न होंगे। शाम के समय ये उपाय करने का प्रयास करें और साथ साथ 108 बार गायत्री मंत्र का या पितृ गायत्री का जप करें। मांगलिक योग से मुक्ति, खासतौर पर मांगलिक योग से कि जीवन में नहीं बन पा रहे हैं तो कैसे उनको बनाएं, तो मांगलिक जो मांगलिक योग है कुंडली के अंदर, वैसे तो मांगलिक शुभ होता है परंतु कई बार मांगलिक योग परेशान देने के योग देता है, मंगल की स्थिति उसको समाप्त करने के लिए एक उपाय आपको बता रहे हैं, उसको करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका बच्चा मांगलिक है तो अंगारक चतुर्थी जब पड़े, खासतौर पर नोट कर लीजिए, अंगारक चतुर्थी यदि मंगलवार और चतुर्थी का योग पड़े तो खासतौर पर उस दिन पीपल के पेड़ से बच्चे का विवाह करा दीजिए, लड़की या कन्या खासतौर पर, और मंगल के मंत्र का जप करा दीजिए, धीरे धीरे देखिएगा जो विवाह में विघ्न है वो दूर होंगे, अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। बच्चों की उन्नति के लिए एक उपाय नोट कर लीजिए।
काली तुलसी जिसकी डंठल काली होती है, पत्ते भी काले होते हैं, उन पत्तों को सौभाग्य से वृद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो काली तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाया करें, घी का दीपक शाम के समय, और 108 खासतौर पत्तों की माला बनाकर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया कीजिए। खासतौर पर रविवार को नहीं करना है ये प्रयोग, बाकी दिन करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बहुत जल्दी जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे, माँ अम्बे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों का भाग्य बताता है कि शरीर में कष्ट होने के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की टेंशन मत लीजिएगा, साफ साफ बच जाइए। आज एक तरफ से कुछ आर्थिक नुकसान होगा, परंतु अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ से लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मीठे फलों का दान कर दीजिए, देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे, माँ अम्बे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से क्या बन रहा है योग जान लीजिए। आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं परेशान होती दिखाई दे रही है, धूल मिट्टी से दूर रहने का प्रयास करें, वो परेशानी का योग बन सकते हैं। साथ साथ ग्रह बताते हैं कि छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आपके समक्ष आएंगी, चिंता मत कीजिए, बुद्धि के बल पर आप सब कुछ सुलझा भी लेंगे। दुर्गाष्टमी है, माँ दुर्गा की आराधना कर लीजिए, कल्याण होगा। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज आपका मन शांत रहता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ नई योजनाएं आपके मन में आ सकती है, उनका जन्म हो सकता है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, सेवा करने से समस्त कार्य बनते चले जाएंगे, इसलिए परोपकार करने का जब भी मौका प्राप्त हो, कोई व्यक्ति बुजुर्ग रास्ते में जा रहा है प्राण नहीं कर पा रहा तो उसको सड़क पार करा दीजिए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है खाने को नहीं है, खाना ला के दे दीजिए, यही तो है, जरूरत बच्चों खाने की वस्तु का वितरण कर दीजिए, यही आपका उपाय है। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। आगे बढ़ने से पहले एक व्हाट्सअप मैसेज और आ गया है रांची से सुभाष जी का, उनकी परेशानी भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता से उनकी बिल्कुल नहीं बन पाती है, वो क्या करें, रिश्ते सामान्य होने का प्रयास करते हैं परंतु होते नहीं है। देखिए आपकी जन्मपत्ती हमने देखी, आपका मंगल कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठा है, और ऐसे व्यक्ति की किस्मत जागती है उसके पिता के साथ, और जितना विरोध आपके जो मन में बात आ रही है वो मान लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जितना अपने पिता का विरोध करेंगे, उनके सामने बहसबाजी करेंगे, आपका भाग्य सो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पिता अभी हैं, तो जब तक पिता है तब तक नित्य पति उनके पैर दबाइए, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। आप जिनका भी मंगल इस प्रकार का है नोट कर लीजिए, और मैं कहूँगा इस सौभाग्य को अपने माता पिता से बड़ा कोई देवता होता नहीं है, तो आपके पिता के द्वारा ही आशीर्वाद से आपकी किस्मत जागने वाली है, तो अपने भाग्य को लात मत मारो भैया, कि कोशिश ये करो कि उनका पूर्ण विश्वास श्रद्धा विश्वास के साथ उनका पूजन करें, देखिएगा आपकी किस्मत चार चांद लग जाएगी। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। जान लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज के बारे में, दिल्ली से प्रियंका जी कुछ जानना चाहती हैं, और वो जानना चाहती हैं छींक के बारे में। अरे आजकल तो छींक बड़ी खतरनाक है साहब, शुभ अपशुभ के तराजू में तोल लिया जाए तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े बुजुर्गों के मुँह से आपने कई बार सुना होगा इस बात को कि छींकत खाइए छींकत नहाइए, छींकत मत जाइए, छींक यदि पीछे हो तो आपके जीवन में बताती है कि आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनने वाले हैं, छींक यदि सामने हो तो आपके विघ्न सामने उपस्थित होने वाले हैं, तो इस बात को समझ लीजिए, छींक सामने होती है तो वो खासतौर पे अशुभ है, छींक पीछे हो तो आपके जीवन में कुछ जो अशुभ नहीं करती है काम बनने के योग, तो खासतौर पर बाई और छींक हो तो अशुभ मानी जाती है, और यदि घर से बाहर निकलने के लिए कोई कार्य कर रहे हो और सामने कोई व्यक्ति छींक जाता है तो सोच लीजिए आज कोई बाधा आने के योग है, एक बार और छींक दे, यानी दो बार छींक दिया तो समझ लीजिए काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ें। अब इस पर यह मत कर लीजिएगा जबरदस्ती छिकवाने का प्रयास किया, जबरदस्ती छिकवाने से वो योग कटेगा नहीं, यदि ऐसी कोई समस्या हो जाती है थोड़ी देर बैठ जाइए, ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, फिर दोबारा अपनी यात्रा आरंभ कर दीजिए, उस अपशगुन को तोड़ कर सकते हैं। यदि कोई जातक सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर छींकने की आवाज़ सुनता है, आप उठे आपने पूर्व दिशा से छींकने की आवाज़ सुनी तो समझ लीजिए आज के दिन में कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे, और खासतौर पर उसके लिए आप उन कष्टों को दूर करने के लिए गणेश जी के मंत्र का जप करें तब वो विघ्न दूर हो। तो सुबह सुबह छींक सुनने से जो कभी छींक कैसे भी आ गई तो समझ लीजिए शारीरिक कष्ट होने के योग है। अपहरण में छींक सुनाई दे तो समझ लीजिए स्वादिष्ट भोजन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि दिन के चौथे पहर में कोई छींक सुनता है तो समझ लीजिए वो छींक अशुभ नहीं है, किसी मित्र से मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर यात्रा करने के समय किसी आवश्यक कार्य आरंभ करने से पहले बाईं ओर से कोई व्यक्ति छींक देता है तो इसका मतलब है कि अशुभ होने वाला है, हो सके तो घर से बाहर मत निकले, यात्रा टाल दीजिए, कुछ देर बाद निकल जाएगा, इस बात को कोशिश ये करें, या एक लौंग खाकर घर से निकलने का प्रयास करें, काम बने कष्ट जो है वो कम हो जाएंगे। यदि कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं और उस समय आपको छींक आ जाए तो क्या होगा उसका योग, वस्तु से लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। तो ये कई लोग क्या होते हैं छींक को एक ही फार्मूला लगा देते हैं, बस छींक दिया नहीं अब नहीं लेंगे भैया, ऐसा नहीं है,
कोई वस्तु खरीदने से पहले छींक रहे हैं तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सोने से पूर्व या जागने के तुरंत बाद छींक का सुनना अशुभ नहीं माना जाता, इस बात को समझ लेनी चाहिए। यदि घर में कोई, आपने नया घर बनवाया है, उसमें गृह प्रवेश करते वक्त कोई छींक दे तो कम से कम 4 घड़ी के लिए आपको गृह प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। नहीं तो आपको खासतौर पर कष्ट आने के योग बनेंगे। उसके बाद गणेश जी को खासतौर पर प्रवेश कराएं और फिर लोगों के साथ आप घर में जाएं, तब कष्ट कम होंगे। अगर व्यापार का कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं और उस समय किसी को छींक आ जाती है तो ये अशुभ नहीं, शुभ संकेत है कि व्यापार में सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय कोई छींक देता है तो ऐसा योग बनता है कि शुभ कार्यों में बाधा आने के योग है, परंतु हमारे यहाँ उसके लिए एक उपाय बताया गया है। मैं आपको एक मुद्रा बता देता हूँ, अदिति मुद्रा। सबसे अंगुष्ठ को, ये अनामिका उंगली के अग्रभाग से छींक आने से पहले प्रेशर महसूस होता ना, उस टाइम पर अदिति मुद्रा ऐसे कर दीजिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि मूर्ति के आगे और राजा के आगे नहीं छींकना चाहिए, इसलिए पूजा के शुभ कार्य में यदि छींक आ जाए तो कार्य विघ्न होने के योग दिखते हैं, अनुष्ठान पूरा सही से नहीं होगा, कुछ ना कुछ विघ्न होगा, अशुभ होगा। तो उस समय मंदिर में इस छींक को रोकने के लिए अदिति मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। अंगुष्ठ को आप इस सबसे अनामिका उंगली के निचले पोर पर हल्का सा रगड़ दीजिए, छींक रुक जाएगी। वैसे शास्त्र कहता है कि छींक रोकनी नहीं चाहिए, विघ्न न धारयते धीमान, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। उपाय हमने बताया, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में आप उसको रोक सकते हैं। मामले करेंगे कल्याण, कन्या राशि वालों का भाग्य कैसा है जान लीजिए। आज ऑफिस में थोड़ी अनबन होने के योग दिखाई देते हैं, यानी कामकाज के क्षेत्र में कुछ अनबन हो सकती है। आज बड़े लोगों से मत उलझिएगा, इस बात का सावधान है। वैसे उलझना कहीं नहीं चाहिए, परंतु आज तो योग है, उसे बचने का प्रयास करें। धन लाभ होगा, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है आपके लिए, जिसकी वजह से पैसा आना निश्चित है। फिर बिल्कुल मत भड़िए किसी से, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। बीकानेर से राजीव जी का मैसेज आया और उन्होंने बात की है स्वप्न विज्ञान के बारे में, और उन्होंने सपने में देखा पान खा रहे हैं। अब पान खाना सपने में उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें लाल रंग भी होता है, कई चीज़ होती हैं, पान खाना वो परेशान हो गए हैं और सुबह सुबह हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दिया है कि बताइए आचार्य जी कि इसका क्या प्रभाव है। चिंता मत कीजिए, पान खाना स्वप्न में शुभ फलदायी है, इसका अर्थ है साथ साथ सम्मान मिलने वाला है। आपके व्यक्तिगत कार्य में आपको सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम बनने के योग दिखाई देते हैं। द्वंद भोगे आगे बढ़ने का प्रयास करें और खासतौर पर महालक्ष्मी को पसंद करने के लिए आज उनके मंदिर में जाकर खीर बांट दीजिए, कल्याण होगा और बढ़िया होगा। शंभू जी का मैसेज एक बार आ गया है दिल्ली से, और उन्होंने कहा है कि सपने में उन्होंने लाल वस्त्र पहने देखा। शंभू जी, ये प्रश्न जो आपने सपना देखा है शुभ नहीं है, अशुभ होने के संकेत देता है। लाल वस्त्र पहने देखना खासतौर पर स्वप्न में परेशानी कष्ट होने के संकेत देने के योग देता है कि जीवन में कुछ कष्ट आ सकते हैं, भयानक, जी हाँ भयानक कष्ट होना आते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, तेज मत चलाइएगा, दूसरे की गलती से बचने का प्रयास कीजिएगा। आपके स्वप्न में आपके लिए कुछ भयंकर कष्टप्रद है, सपनों की दुनिया बड़ी विचित्र है। सपने में जो मिलता है वो वास्तविक में खो जाता है, और उसको प्राप्त कैसे किया जाना है उसके लिए स्वप्न विज्ञान का लाभ लीजिए। हर रोज़ हम आपके साथ स्वप्न विज्ञान के जो फल है वो साझा करते हैं, उनका लाभ जान लीजिए, उनके रहस्यों को, छुपे रहस्यों को समझ लीजिए, कल्याण के योग। मामले करेंगे कल्याण, तुला राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज मन में मोह उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, लोगों की बातों पे मत आइएगा। आज रोमांटिक लाइफ ज़्यादा रहेगी और खासतौर पे चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके आन बान शान पर कोई आँच ना आने दीजिएगा, खट्टे फलों का दान कीजिए, कल्याण होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। हमारे बीच में दिल्ली से एक व्हाट्सएप मैसेज आया है शैलेंद्र जी का, और शैलेंद्र जी ने अपनी परेशानी के बारे में लिखा है कि उनके पेट संबंधी समस्या उनको बहुत परेशान कर रही है। चिंता मत कीजिए, योग को अपनाइए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे विश्व में योग को पहुँचा दिया, और जन जन योग सीख ले उसके लिए ऐप भी बना दी है। तो हम आपको बता रहे हैं वक्रासन, इस वक्रासन को करने का तरीका सामने ऐप में आपको दिखाया जा रहा है। पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, संपूर्ण अंग को सक्रिय, पेट के संपूर्ण अंग को सक्रिय करने के लिए, और खासतौर पर एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए, पेट संबंधित हार्मोन्स को ठीक करने के लिए ये अद्भुत आसन है। टीवी की स्क्रीन पर स्वयं आपको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करके दिखा रहे हैं इस आसन को। पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए करने का प्रयास कीजिए। कब्ज इत्यादि, गैस इत्यादि, अपच इत्यादि, इन सब की समस्याओं को ठीक करने के लिए अद्भुत आसन है। करने का तरीका आपको साफ साफ समझाया जा रहा है। हर रोज सुबह उठकर बाकी आसनों के साथ कर लिया कीजिए, देखिए अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। माम में करेंगे कल्याण, वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रह योग बता रहे हैं कि आज लाभ होना निश्चित है, आज चाहकर भी कोई आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकता, फायदा होने के योग दिखाई देते हैं।
जल्दी से राशि के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए काम करने का प्रयास करें। जल्दबाजी आपको जो परेशानी फंसा सकती है, काम भारी बन सकती है। चींटियों को थोड़ा आटा डाल दीजिए, देखिए कल्याण होगा। चाहिए एक हमारे पास अब प्रश्न आया है फरीदाबाद से गोविंद जी का, और उन्होंने पूछा है कि क्या करूं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। देखिए ऋतुफल बहुत अद्भुत रूप से चीज करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक आपका फल आजकल बाजार में आ रहा है जिसको कहते हैं फालसा, फालसे के जूस को आप नित्य प्रति लेना शुरू कर दीजिए। फालसे के जूस को आप मिक्सी में उस फालसे को लेकर अच्छे से वॉश कीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। अगर यदि आपको शुगर नहीं है तो चीनी मिलाकर उसका शरबत बना लीजिए। दिन में 4-5 बार पीना शुरू कीजिए। अगर आप 15-20 दिन लगातार पीते हैं तो देखिएगा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो भी बढ़ जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार से हिचकी उल्टी इत्यादि होने से फालसे के जूस में यदि मिश्री के साथ लेने का प्रयास करें 2-3 बार तो इससे समस्या से राहत मिल जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अद्भुत रूप से बढ़ाने के लिए नित्य प्रति फालसों का सेवन आप यदि जूस के रूप में करते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं। हम बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। धनुराशि वालों, आपका स्वाभिमान आज कुछ परेशानी को ठेस पहुंचा सकता है, खासतौर पर परेशानियों को उदय कर सकता है। हर काम में सावधानी बरतने का प्रयास करें। आपके चरित्र पर कोई लांछन लगाने का प्रयास कर सकता है, बच के रहना पड़ेगा। पैसों की तंगी दूर होने के योग है, फिर काहे की चिंता। इसलिए कोशिश करें शांति के साथ काम करने का प्रयास करें। केवल अपने आप को थोड़ा छोटा मान लीजिए, और काम जो आपकी फितरत नहीं है, आपको बिल्कुल छोटा बनना पसंद नहीं है आपकी राशि के अनुसार से, पर थोड़ा सा नरम होते हुए काम करने का प्रयास करें। लोगों को खासतौर पर इंपॉर्टेंस देने का प्रयास कीजिए। महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। आज कदम डगमगा सकते हैं, घबराए नहीं समस्याओं से, उनका सामना करें। आप शक्ति संपन्न है, सफलता मिलना निश्चित है, तो फिर घबराना काहे का। जब अल्टीमेट एम मैंने आपको ज्योतिष गणनाओं से दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया कि गणना दिखाती है कि सफलता मिलना निश्चित है, सेहत में सुधार आएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होंगी। आटे के चूरमे की खासतौर पर लड्डू बनाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, शिव का पूजन करें, कल्याण होगा। कुंभ और मीन राशि के हाल के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न आया है व्हाट्सएप के माध्यम से रामनगर से लक्की जी का, और लक्की जी ने परेशानी बताई है, सांस फूलने की परेशानी है। लक्की जी, हम आपको बता रहे हैं आपके प्रश्न के अनुसार से, उसके लिए आपको एक विशेष तौर पर अपान वायु मुद्रा है। ये पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर दोनों उंगलियों को, बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ना है। इससे अद्भुत रूप से ये सीढ़ी चढ़ते हुए जिनको सांस फूलती है, मेरे पास एक व्यक्ति आया, सीए थे, और उन्होंने कहीं से हमारे पुस्तक मुद्रास फॉर हीलिंग एक इंग्लिश की किताब है वो परचेज करी। उनकी एक समस्या थी और उनको दिक्कत होती थी, उन्होंने वो मुद्रा पढ़ी। मैं किसी शादी में था, उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि आपकी वो मुद्रा करी, बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, विश्वास जागता है। देखिए कि कैसे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो अपनी समस्या को दूर करने के लिए इस मुद्रा का नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरा हाथ तो खाली है, उल्टा हाथ उससे कर लीजिए, देखिए लाभ प्राप्त होगा, समस्याएं दूर होंगी। ये अपान वायु मुद्रा हृदय रोग को भी बल देती है, हार्ट को स्ट्रेंथ देती है, और साथ साथ में ये सांस फूलने वाली समस्या जो हृदय रोग के कारण से है, आपका मसल्स वीक हो गई हैं, इंजेक्शन फ्रिक्शन कम हो गया है, उसको भी लाभ देगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, माँ अम्बे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों, आज काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु विघ्न आता दिखाई दे रहा है। आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा, और एक बात मान लीजिए, जितना मन गलत रहेगा यानी गलत तरफ चलेगा उतने विकार ज़्यादा आएंगे। इसलिए मन साफ रखते हुए कल्याण के भाव से मन पर काबू रखने का प्रयास करें, और देखिए काम बनेंगे। मंदिर में केले का भोग लगाइए, केला प्रसाद लीजिए, कल्याण होगा। माँ में करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के भाग्य में। देखिए हर रोज अंत में आती है मीन राशि वालों, लेकिन भाग्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज परिवार में मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। आज घर वालों की गलतियां आप पर भारी पड़ने वाली है, यानी आपकी गलतियां नहीं, आपके साथ वालों के लोगों के लिए। इसलिए थोड़ा सावधान, दूसरों के बारे में ध्यान रखिएगा, जो चीज़ नहीं सोचनी है वो भी सोच लीजिएगा। पैसा कमाने के लिए जमकर मेहनत करते दिखाई दे रहे, आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, कार्य में लगे रहे, सफलता निश्चित है। महालक्ष्मी का पूजन कर लीजिए, उनके मंदिर में जाकर उन्हें लाल वस्त्र समर्पित करें, कल्याण होगा। इस समय वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। कल के दिन कैसा रहेगा आपका हाल, आपके मन में चल रही कोई परेशानी, तो नंबर नोट कर लीजिएगा, उस पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, हम आपको निदान अवश्य देंगे। और फिर बता दूं, इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, यदि आपसे छूट गई हैं तो यूट्यूब पर जाकर दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, इन प्रयोगों को लाभ प्राप्त होगा। कल तक फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्।